शिवसेना को जोर का झटका देते हुए आज दीघा के नगर सेवक नवीन गौते और अपर्णा गौते ने असंख्य समर्थकों के साथ बीजेपी में प्रवेश कर लिया। विधायक गणेश नाइक ने शिवसेना नगर सेवकों और समर्थकों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। नवीन गौते ने इसे अपनी घर वापसी करार दिया। वहीं खुद विधायक गणेश नाइक ने इसे विकास के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि गौते सिर्फ व्यवहारिक तौर पर शिवसेना के साथ थे, जबकि उनका मन नाइक परिवार के साथ था। इस अवसर पर ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, मेयर जयवंत सुतार, सुधाकर सोनावने, अनंत सुतार और दशरथ भगत समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। दीघा के दबंग शिवसेना नगर सेवक रहे नवीन गौते ने आज कई नगर सेवकों और बड़े पदाधिकारियों के साथ बीजेपी में प्रवेश कर लिया। विधायक गणेश नाइक ने नगर सेवक नवीन गौते, नगर सेविका अपर्णा गौते और तमाम पदाधिकारियों को बीजेपी का झंडा थमाकर पार्टी में प्रवेश कराया। शिवसेना सांसद राजन विचारे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले नगर सेवक नवीन गौते ने 1.5 साल पहले बीजेपी को छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया था। आज शिवसेना छोड़ते हुए गौते ने कहा कि बीजेपी सरकार और विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में ही दीघा का विकास और विवादित इमारतों का समाधान संभव है और इसीलिए उन्होंने घर वापसी की है। मला दोन्ही कडे फोन आले होते का तुम्ही आमच्याकडे आमच्याकडे, परंतु आता जी परिस्थिती बघता मी इथेही न जाता तिथेही न जाता मी याच्यातून विचार केला का मी स्वघरी गेलेलं परत राहील, परत राहील माझ्यासाठी, कारण मला माझा आता काय म्हणजे स्थिरता नव्हती आहे मला, पण माझ्या दिग्यातली जनता ही स्थिर राहिली पाहिजे। पहिली गोष्ट तर दिग्यातला जो अनधिकृत बांधकामचा विषय येतो आणि दुसरी गोष्ट झोपाड्याचा एसआरएचा प्रश्न, या दोन्ही गोष्टींसाठी हा दिग्याच्या विषयासाठी आम्ही तो घरी परत आलेलो आहे। साहेब आता स्वतःच आता सरकारमध्ये आहेत आणि इथल्या नेतृत्व नाईक साहेब नवी मुंबईचं करतात, नवी मुंबईचं नेतृत्व नाईक साहेब करतात, त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतात। वही नवीन गौते की घर वापसी पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक गणेश नाईक ने कहा कि नवीन गौते भले ही व्यवहारिक तौर पर शिवसेना के साथ रहे, लेकिन उनका मन बीजेपी के साथ रहा। गणेश नाइक ने कहा कि उन्हें पता है कि नवीन गौते ने दीघा की अवैध इमारतों के नियमन और नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए सत्तारूढ़ सरकार के साथ जाने का निर्णय लिया था, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। विधायक गणेश नाइक ने भरोसा दिलाया कि अब सरकार बीजेपी और शिवसेना की है, इसलिए बतौर विधायक वे दीघाकरों को न्याय दिलाने के लिए प्रयत्न करेंगे। नवीन गौते आणि त्यांचे सर्व कुटुंबीय शरीराने फक्त ते दूर गेले होते, मनाने ते कधीच दूर गेले नव्हते। सर आम्हाला वस्तुस्थिती माहीत होती की नवीन गौते आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब आमच्यापासून फिजिकली शारीरिकदृष्ट्या दूर गेले होते, परंतु मनातून दूर गेले होते आम्हाला पूर्ण जाणीव होती। नवीन गौते आणि संदीप नाईक देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 1.5 महिन्यापूर्वी गेले होते आणि त्यांचं निश्चित ठरलं होतं की बा योग्य वेळी ये लोक भाजपमध्ये येतील, त्याची मनातून होतेच। त्यावेळी सरकार येणार आहे वगैरे हा चित्र पण नव्हतं। शिवसेनेचं सरकार होतं, आघाडीचं, महाविकास आघाडीचं, त्यावेळेला ती कामं नाही झाली भाजपमध्ये राहून, म्हणून त्याची ती घुसमटच झाली, ती जनतेची कामं करायची होती त्यांना। आणि त्यांनी मला विचारलं त्यावेळेला की बाबा काय करता, आम्ही सांगतो जा तू कामं होणार असतील तर तू दिघ्याचा विकास, दिघ्याच्या जनतेचा जर भलं होणार असेल तर जा निघून, तू बोललो होतो मी त्यांना। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।